हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय सुमित सर। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स, जिसे हम रोमन नंबर्स भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स, साथ में 50, 100, 500, 1000, इनको भी किस तरह से रोमन नंबर्स में लिखा जाता है, ये भी हम आज सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरुआत करते हम आज के हमारे टॉपिक की। तो आइए शुरुआत करते रोमन नंबर्स की, मींस न्यूमरल्स की। तो देखिए किस तरह से हम लिखेंगे। एक तरफ देखिए, मैंने ये सिंपल नंबर्स लिखा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, साथ में 11 से लेके 20 तक। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सिंपल नंबर्स लिया हूं, और अब इक्वल साइन के बाद मींस राइट हैंड साइड में उनको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो देखिए 1 को क्या लिखेंगे, 1 मींस एक बार आई लिखना है आपको, 1 मींस एक बार आई, 2 मींस दो बार आई लिखना है आपको, 3 मींस तीन बार आई लिखना है। और एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं रोमन नंबर्स के बारे में, कोई भी रोमन नंबर्स 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होते। कोई भी रोमन नंबर्स 3 सिमिलर वैल्यूज लिखने के बाद में वो ज्यादा बार रिपीट नहीं होते। जैसे यहां देखिए ये 3 बार आ गए, अब इससे ज्यादा बार ये रिपीट नहीं होंगे। तो देखिए 4 फिर कैसा लिखेंगे, पहले आई और उसके बाद में वी, ये हो गया आपका 4। उसके बाद 5 को इस तरह से लिखा जाता है, ये 5 लिखा हूं मैंने मीन्स वी। 6 को 5 के बाद में ये एक आई मीन्स वी के साथ आई लगा दिए, ये हो गया आपका 6। 7 वी के साथ दो आई, 7 हो गया। 8 मीन्स वी के साथ तीन बार आई लगा देंगे, ये 8 हो गया। अब देखिए फिर यहां पर वी के साथ तीन बार ये आई आया, मतलब तीन बार मैक्सिमम हम तीन बार ही लिख सकते, उससे ज्यादा नहीं। तो अब देखिए 9 कैसे लिखेंगे, तो पहले आई आएगा और उसके बाद में एक्स, ये हो गया आपका 9। 10 मतलब x आपको लिखना है। उसके बाद देखते 11, तो 11 को कैसे लिखेंगे, x के बाद में i, ये हो गया आपका 11। 12 देखिए, x के बाद में दो बार i, ये आपका 12 हो गया। 13 x के बाद में तीन बार i, ये हो गया 13। अब देखिए 14 कैसे लिखेंगे, x के साथ चार बार i नहीं ले सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया मैक्सिमम वो तीन बार आता है, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होता है। तो 14 कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये आपका x और उसके साथ साथ यहां पर i और ये v, तो इस तरह से ये हो गया 14, मतलब x के बाद i और v, इसे आप कहेंगे 14, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 15, तो ये x के बाद में ये आपको v लिखना है, तो ये हो गया आपका 15। मींस एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, 10 मतलब x, तो x के बाद में यहां देखिए ये 1, तो 1 के लिए i मतलब 11 हो गया। 12 के लिए x के साथ ये देखिए 2 लाइंस लगा दिए, 12 हो गया। 13 मतलब x के साथ में ये 3 लाइंस लगा दीजिए, 13 हो गया। और ये देखिए x के साथ ये 4, ये 4 लगा दिए, 14 हो गया। x के साथ ये 5 लगा दीजिए, 15 हो गया। उसी तरह से ये x के साथ 16 मतलब v के बाद एक आए, इस तरह से ये आपका 16 हो गया। 17 के लिए x के बाद v और साथ में दो लाइंस, ये देखिए ये 7 यहां लगा दिया हमने। उसके बाद 18 के लिए ये x, ये v और साथ में तीन लाइंस, ये हो गया आपका 18। 19 देखिए x, अब देखिए यहां पे तीन बार आ चुका है आए, तो अब आगे नहीं लगेगा, तो x के साथ क्या करेंगे आप, ये देखिए 9 कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से x i और फिर से x, ये आपका 19 हो गया। और 20 के लिए आपको दो बार x लिखना होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 को रोमन नंबर्स में किस तरह से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं 50 को लिखा जाता है l, सबसे पहले 50 को बता रहा हूं मैं, 50 को लिखा जाता है l, और 100 को डिनोट करते हैं सी से, मतलब 100 को लिखा जाता है सी। अब देखिए 30 कैसे लिखेंगे, तो 30 लिखने के लिए तीन बार x, ये हो गया आपका 30। अब 40 कैसे लिखेंगे, तो 40 लिखने के लिए हम
चौथी बार x नहीं लिख सकते, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी बार रिपीट होता है ये, तीन ही बार रिपीट होता है नंबर, ठीक है, रोमन वाला नंबर तीन ही बार मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, उससे ज्यादा बार नहीं। तो अब हम 40 कैसे लिखेंगे, 40 लिखने के लिए सबसे पहले x और बाद में l, ये हो गया आपका 40। 50 तो बता चुका हूं l लिखना है, 50 मींस l। अब देखिए 60 कैसे लिखेंगे, l और उसके साथ एक x, ये हो गया आपका 60। उसी तरह से 70 के लिए l के साथ दो बार x, ये हो गया आपका 70। उसी प्रकार 80 के लिए l के साथ तीन बार x, ये हो गया आपका 80। अब देखिए तीन बार x आ चुका है, तो जैसा कि आप जानते हैं रोमन नंबर्स में मैक्सिमम थ्री टाइम्स वो नंबर हम लिख सकते, उससे ज्यादा बार नहीं लिख सकते। तो अब 90 कैसे लिखेंगे, तो 90 लिखने के लिए आपको पहले लिखना है x और उसके बाद में c। 90 लिखने के लिए पहले x बाद में c, ये हो गया आपका 90, और 100 मींस आपका c। तो आइए अब कुछ स्पेशल नंबर्स के बारे में आपको बता देता हूं जिनको याद आप रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 को हम लिख सकते हैं i, 1 मींस आपका i हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 मींस v लिखना होता है, 10, 10 मतलब x। उसके बाद 50 मींस l, 100 मींस c, 500 मींस d, और 1000 मींस m। तो याद रखिए 1 के लिए i, 5 के लिए v, 10 के लिए x, 50 के लिए l, 100 के लिए c, 500 के लिए d, और 1000 के लिए m। तो ये कुछ मैंने स्पेशल नंबर्स के बारे में आपको बताया। तो हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा रोमन नंबर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए। और जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैथ्स सीखने के लिए देखते रहिए मैथ्स बाय सुमेध सर। थैंक यू वेरी मच।